नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात विषय हिंदी काव्य पांच पेज नंबर 29। दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 29 काव्य पांच हिंद देश के निवासी जेनो साहित्य प्रकार छे कविता। आज आप हिंद देश के निवासी काव्य छे समझीशू। तो विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है कि भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है, यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालेपन बताया गया है कि अपना देश की जो विविधता में एकता है ये अहीं आपने जोवा मळे छे आ काव्य में। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेल गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल मुथे माला में एक है। कोयल की कुक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो विद्यार्थी मित्रों उच्चारण गयरू, हवे आपणे आ काव्यनु गान करीशु, तो तमारे पण मारी साथे आ कविता गावानी छे। चालो शुरुआत करिए गावानी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। त्यार पछी हवे आपणे काव्यनी समझूती मेळवशुं, साथे साथे शब्दार्थ पण जोशुं। प्रथम बे पंक्ति छे,
हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। हिंद हिंद एटले यानी हिंदुस्तान, भारत, भारतनी बात अही करवामां आवेली छे। निवासी नो अर्थ थाय रहने वाले, जे रहेवा वाला छे। ते जन जन यानी व्यक्ति, लोग लोकोनी बात छे अही। रंग रूप वेश वेश यानी पहनावा, जे कपड़ा पहरे छे। ते चाहे एटले भले ही, अनेक एटले अलग प्रकारना छे। प्रथम बे पंक्ति में शू कहे छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, शू कहे छे कि एना रंग रूप, एना जे कपड़ा छे, एनी भाषा छे, ए भले अलग अलग होय पण तेओ छे एक ज। के राज्य बदलाता, वेश छे, परिधान छे बदलाई जाय छे, बोली छे, भाषा छे पण बोली छे ए बदलाई जाय छे। एटले तो कीधुं छे कि अहीं विविधतामां पण शुं जोवा मळे छे, एकता। एटला माटे बे पंक्तिमां कहे छे कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, उनके रंग रूप, पहनावा और भाषा भले ही अलग अलग हो। त्यार पछी छे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, कोयल की कुक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। अहीं जुदा जुदा फूलोना नाम आपेला छे। बेला यानी मोगरा, बेलानो अर्थ थशे मोगरा। गुलाब, जूही, चंपा अने चमेली आ सरस मजाना सुंदर फूलो छे। अहीं गूंथे, गूंथे यानी पीरोना, एटले के माळामां परोवू। ई જ્યારે માળામાં આવે ત્યારે બધા શું થઈ જાય છે, એક જ થઈ જાય છે। કોયલ કી કૂક ન્યારી, કૂક યાની કોયલ કી બોલી, આવાજ। પપી હે કી ટેર પ્યારી, પપીહા યાની પંછીકા નામ હે, એક પક્ષીનું નામ છે। ન્યારી એટલે કે નિરાલી, સુંદર। ગા રહી તરાના, તરાના યાની ગીત, રાગ મગર એક હે, પણ જે ગાવાનો ઢંગ છે, રીત છે, એ કેવું છે, એક છે। મગર યાની પરંતુ, મગર યાની પરંતુ, લેકિન। પછીની ચાર પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે કોયલ કી બોલી નિરાલી હોતી હે, બેલા યાની મોગરા, બેલા ગુલાબ જુહી ચંપા ચમેલી, પ્યારે પ્યારે ફૂલ ગૂંથે માલા મેં એક હે। मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। आ बे पंक्ति में कवि शू कहे छे कि मोगरो, गुलाब, जूही, चंपा ने चमेली वगैरह फूल छे अलग अलग छे, परंतु जयरे ते सुंदर फूलों ने माळामा पोरवामा आवे छे, गूंथवामा आवे छे, त्यारे बधा केवा बनी जाय छे, एक। एवी ज रीते भारतवासी छे ए छे अलग अलग, पण शू छे, बधा एक समान छे, एक ज छे। सारे भारतवासी एक है। कोयल की कुक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। अहीं कहे छे कोयल की बोली निराली होती है, प्यारी होती है, पपी है की बोली में भी मिठास होती है। के पपी आप बोले छे त्यारे एनी बोली छे ए पण केवी लागे छे, मीठी लागे छे। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। शू कहे छे, कोयलनो टंको अनोखो होई छे, पपीहानी बोली मीठी होई छे, बुलबुलनुं गीत पण निराळुं होई छे। आ पक्षीओना गीत भले अलग अलग होई, जुदा जुदा होई, परंतु तेमना गीतनो राग एक ज छे।
એવી જ રીતે જુદા જુદા જુદી જુદી ભાષા બોલી બોલનારા ભારતવાસીઓનો સ્વર તેનો અવાજ પણ કેવો છે, એક જ છે. ત્યાર પછી આગળ ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણા કાવેરી જાકે મિલ ગઈ સાગર મેં હુઈ સબ એક હે. અહીં અલગ અલગ નદીઓના નામ આપેલા છે કે ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણા ઓર કાવેરી અલગ અલગ નદીયા હે મગર સાગર મેં મિલકર વે એક હો જાતી જાકે મિલ ગઈ સાગર મેં કે જ્યારે તેઓ સાગરમાં દરિયામાં મળી જાય છે ત્યારે એક થઈ જાય છે. ઇસી તરહ દેશ પ્રેમ સભી ભારતવાસીઓ કો એક બના દેતે હૈ. એવી જ રીતે દેશ પ્રેમ છે એ બધા ભારતીય ભારતના રહેવાવાળા ભારતીય પ્રજાઓને એક બનાવી દે છે. શું કહે છે કે ગંગા યમુના બ્રહ્મપુત્ર કૃષ્ણા અને કાવેરી આ જુદી જુદી નદીઓ છે પરંતુ સાગરમાં મળીને એક થઈ જાય છે, દરિયામાં મળીને એક થઈ જાય છે. એવી જ રીતે દેશ પ્રેમમાં સૌ ભારતવાસીઓને એક બનાવી દે છે. ધર્મ હે અનેક જિનકા સાર વહી સાર યાની તત્વ. પંથ હે નિરાલે પંથ યાની સંપ્રદાય નિરાલી યાની ભિન્ન ભિન્ન. સબકી મંજિલ તો એક હે મંજિલ યાની ધ્યેય ઉદ્દેશ્ય. છેલ્લી બે પંક્તિમાં કહે છે કે ધર્મ અનેક હે પર ઉનકા સાર તત્વ એક હી. ધર્મ અલગ અલગ છે પરંતુ એ ધર્મનો સાર એનો તત્વ શું છે, એક જ છે. સભી સંપ્રદાય અલગ અલગ વિશેષતા રખતે હે પર સબકા ધ્યેય એક હે મનુષ્ય કો ઉન્નત બનાના. ઇસી તરહ સભી ભારતવાસીઓ કા લક્ષ્ય ભી એક હી હે અપને દેશ કી ઉન્નતિ કરના. છેલ્લી બે પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે ધર્મ અનેક છે પરંતુ તેમનું સાર તત્વ એક જ છે. સંપ્રદાયો ભિન્ન ભિન્ન છે પરંતુ સૌનું ધ્યેય એક જ છે, મનુષ્ય જીવનને ઉન્નત બનાવવું. એવી જ રીતે સૌ ભારતવાસીઓનું લક્ષ્ય તેની મંઝિલ એક જ છે, દેશની ઉન્નતિ કરવી. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો જુદા જુદા ઉદાહરણો દ્વારા રંગરૂપ ફૂલ પક્ષીઓ નદીઓ અને ધર્મને જોડીને એવું કહેવા માગે છે કે આપણો ભારત દેશ એક જ છે. ભારતમાં રહેનારા લોકો છે, ભારતીય છે, એ બધા એક જ છે. ભલે એની રંગરૂપ અલગ અલગ હોય, એની ભાષા અલગ હોય, છતાં એ બધા કેવા છે, એક જ છે. ધર્મ અલગ અલગ છે, અલગ અલગ છે, સંપ્રદાય અલગ અલગ છે, પણ એ બધાનું ધ્યેય શું છે, મનુષ્યની ઉન્નતિ કરવી. એવી જ રીતે ભારતમાં રહેનારા લોકોની મંઝિલ શું છે, લક્ષ્ય શું છે, કે ભારત દેશની ઉન્નતિ કરવી. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ પેજ નંબર 30માં અભ્યાસ આપેલું છે કે પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીજીએ કે હમારે દેશ કી ક્યા વિશેષતા હે. તો આપણે આગળ કાવ્ય સમજ્યા કે હમારે દેશ મેં ભિન્ન ભિન્ન રંગરૂપ ઓર પહનાવે વાલે વેશભૂષા વાલે એવમ અલગ અલગ ભાષાએ બોલને વાલે લોગ રહેતે હૈ ઇસકે બાવજૂદ યહાં કે લોગ એક હે. ઇસ તરહ વિવિધતા મેં એકતા હી હમારે દેશ કી વિશેષતા હૈ. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે સભી નદિયા કબ એક હોતી હૈ. તો સભી નદિયા અલગ અલગ સ્થાનો સે નિકલતી હૈ, ઉનકે બહાવ ભી અલગ અલગ હૈ, એનો પ્રવાહ પણ અલગ અલગ છે, પરંતુ જબ વે સાગર મેં મિલતી હૈ તબ એક હો જાતી હૈ. ત્યાર પછી છે કે સભી ધર્મો કા સાર ક્યા હૈ. તો સભી ધર્મો કા સાર એક હી હૈ, મનુષ્ય કો બુરાઈઓ સે દૂર રખના ઓર ઉસે ઉન્નત બનાના. ત્યાર પછી પ્રશ્ન બીજો અ છે શબ્દ પંખુડીઓ કો ઉચિત ક્રમ મે રખકર વાક્ય બનાઈએ. ભારત નિવાસી દેશ હમ કે અને હે આપેલું છે. તો આ બધા શબ્દ કેવા છે, આડા અવળા છે. તો આપણે એને શબ્દને વ્યવસ્થિત રીતે ક્રમમાં ગોઠવીને સરસ વાક્ય બનાવવાનું છે. તો પહેલું વાક્ય કઈ રીતે બનશે, હમ ભારત દેશ કે નિવાસી હે. પહેલું વાક્ય હમ ભારત દેશ કે નિવાસી હે.
तो अँ विद्यार्थी मित्रों तमे पेन्सिल थी नंबर आपी सको। हम शब्द छे अँ नंबर एक आपो, भारत शब्द छे त्यां बे, देश शब्द आपेलू छे अँ नंबर त्रण, के छे अँ चार, निवासी छे अँ पांच अने हे छे अँ छ। एटले ज्यारे तमे क्रमवाइज एक बे त्रण थी वाक्य बोलशो, शब्द बोलशो, एटले उचित सरस अर्थपूर्ण वाक्य बनशे के हम भारत देश के निवासी है। एज रीते अहीं अलग अलग शब्द आपेला छे, तो पेलो शब्द कोयल, की, आवाज, मधुर होती है, अलग अलग नंबर आपी दियो। हवे एने तमे नंबर प्रमाणे शब्द बोलशो एटले सरस क्रममां अर्थपूर्ण वाक्य बनशे। कई रीते? कोयल की आवाज मधुर होती है। त्यार पछी आपेलू छे तरह फूलो हंसते की चाहिए रहना, तो अहीं आपेलू फूलो शब्द छे या नंबर एक आपी देवानो। फूलो की तरह हंसते रहना चाहिए। हवे क्रम नंबर आपी दीधा एक बे त्रण, हवे तमे नंबर वाइज बोलशो एटले अर्थपूर्ण वाक्य बनशे फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। त्यार पछी ब आपेलू छे गोले में शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अहीं सोहन पढ़ रहा है, तो सोहन शब्द लईने वाक्य बनावेलू छे, सोहन पढ़ रहा है। एज रीते बीजू रिनल, रिनल पढ़ रही है, पढ़ रही है। त्यार पछी रिनल खेल रही है। अलग अलग शब्द बना आपेला छे एमांथी वाक्य बनावानुं। रिनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है, अने सोहन खेल रहा है। आवी रीते त्यार पछी आपेलू छे प्रश्न त्रण, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो आ काव्य पंक्ति में शू समझावा मागे छे, तो कि भारत देश में रहने वाले लोग के रंग रूप पहनावा और भाषा ए भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 31 नो अभ्यास हवे पछीना वीडियो में करीशु। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।